अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान में चल रही जन आशीर्वाद यात्रा के तीसरे दिन की शुरुआत चामुंडा माता मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना करके की। इसके बाद दक्षिण क्षेत्र की बीजेपी विधायक अनीता भदेल की ओर से आयोजित नाका मदर में वन देवी मृंज कक्ष का उद्यान का शिलान्यास कर पौधारोपण किया। वहीं मंत्री यादव ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए बताया कि जलवायु परिवर्तन के संकट से गुजर रहे विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण जरूरी है। इस दौरान उनके साथ अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, महापौर बृजलता हाड़ा, पुष्कर विधायक सुरेश रावत समेत पार्टी के कई पदाधिकारी भी थे। पैसा खर्च करती है लेकिन उसकी एनओसी हैदराबाद से नहीं आती और वो काम आज भी अटके हुए हैं। ऐसे कम से कम अजमेर में मैं मंत्री बना लेकिन फिर भी अजमेर से मेरा जो मैंने गड़बड़ियां पकड़ी थी, मैं और भागीरथ चौधरी जी केंद्रीय हमारे जो शहरी विकास मंत्री हैं हरदीप सिंह जी पुरी, उनको मिले। उन्होंने कुछ निश्चित समय दिया था और उनके मंत्रालय को यहाँ पे जवाब भेजने को उन्होंने कहा था। संसद सत्र खत्म होने के बाद मुझे हरदीप पुरी जी ने कहा था कि हम एक बार साथ बैठकर उसको मैं पूछने के था। भागीरथ जी और मैं जाने वाले थे लेकिन जिस दिन सत्र समाप्त हुआ उस दिन से मैं यात्रा पे आया हूँ। उस जवाब को भी हम सार्वजनिक करेंगे और मैंने आज भी अपने दोनों विधायकों और मेयर से कहा है कि वो जो भी ये गड़बड़ियां हैं इसका एक वाइट पेपर भी तैयार करें, मीडिया के साथ शेयर करें और अजमेर के प्रबुद्ध नागरिक जो चिंता कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम अजमेर स्मार्ट सिटी के संकल्प पे पूरी तरीके से भी अड़े हैं और इसमें जो भी भ्रष्टाचार करके अड़चन कर रहे हैं उनका भी समाधान हम निश्चित रूप से करें।